कलर की बहुत ज्यादा पिगमेंटेड। उप्स ये खुल जा, बकवास कर रहे हैं। हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो आज का वीडियो होने वाला है एनवाई वे वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। एनवाई वे प्रोडक्ट को यूज करके मैंने ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो है वो क्रिएट किया है। बिगनर्स हैं तो आप भी इजीली ये मेकअप लुक जो है इन प्रोडक्ट से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास ये देख सकते हो इतना सारा एनवाई वे का प्रोडक्ट है। इसमें कुछ न्यू लॉन्चेस भी है और कुछ पुराने प्रोडक्ट भी है। तो इन प्रोडक्ट को यूज करके मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है। तो ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करेंगे। और वीडियो में जाने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड कर उसका नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिले। तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है ये एनवाई वे का प्राइमर, जो कि एक सिलिकन बेस्ड प्राइमर है। बहुत अच्छे से आपके पोर को जो है मिनिमाइज कर देता है, आपके पूरे फेस को जो है बहुत अच्छे से ये स्मूथ कर देता है और एक फाउंडेशन के लिए बहुत अच्छा सा बेस आपको जो है प्रोवाइड कर देता है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई वे का ये लिक्विड फाउंडेशन। इसकी फिनिश जो है बिल्कुल ही ड्यूई फिनिश है, नेचुरल फिनिश आपको प्रोवाइड करता है और ये आपको मीडियम कवरेज देता है। और इसकी जो टेक्सचर है ये कुछ इस तरह की है, बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है इसका और बहुत अच्छे से आपके फेस पे जो ब्लेंड हो जाता है। और इसमें मेरा शेड जो है वो 9 है। इसमें मेरा शेड जो है समांथा चेस्टनट कॉन्फिडेंस 9 नंबर, ये शेड है मेरा जो बिल्कुल मेरे स्किन से मैचिंग है और बहुत ही इजीली ये आपके फेस पे जो देख सकते हो आप बहुत ही अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है, आपके फेस पे जो है एक नेचुरल ड्यूई फिनिश आपको देता है। कंसीलर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है एनवाई वे का ये कंसीलर। बहुत ही अच्छा क्रीमी कंसीलर है ये और आपके फाइन लाइंस में सेट नहीं होता है। और ये देख सकते हो आप इसकी कवरेज भी बहुत अच्छी है, मतलब फुल कवरेज कंसीलर नहीं है ये, मीडियम कवरेज कंसीलर है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। आप देख सकते हो ये कंसीलर जो है ये बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है, तो आपके फाइन लाइंस में जो है इजिली सेट नहीं होता है और बहुत अच्छे से ये आपके डार्क सर्कल्स और अंडर आई को हाईलाइट कर देता है। फिर मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई वे की कॉन्टोरिंग स्टिक, क्योंकि एनवाई में कोई भी जो ना पाउडर कॉन्टोर नहीं आता है। तो इसमें देख सकते हो इतनी क्वांटिटी आपको मिलती है और इसमें मेरा जो शेड है वो है 07 टोस्ट। बहुत ही ज्यादा क्रीमी कॉन्टोर है ये, बहुत इजिली ये ब्लेंड भी हो जाता है आपके फेस को बहुत अच्छे से कॉन्टोरिंग करने के लिए। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, ये देख सकते हो आप फिंगर की हेल्प से कितने अच्छे से ब्लेंड हो गया है। और ये सारे प्रोडक्ट जो है ना बहुत ही इनएक्सपेंसिव है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। अपने बेस को सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है एनवाई वे के न्यूली लॉन्च कॉम्पैक्ट पाउडर। और ये देख सकते हो बहुत ही फाइन है और कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, हल्की सी चौकी है बट बहुत अच्छे से जो आपके अंडर आई को सेट कर देती है। ये देख सकते हो बहुत अच्छे से आपके फेस को सेट कर देती है और मैटिफाई कर देती है। अपने आईब्रोज को फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एनवाई वे की आईब्रो पेंसिल, जो कि बहुत अच्छा है। इसमें मेरा शेड है ब्राउन। लेट मी स्वॉच दिस हियर। ये देख सकते हो आप बहुत ओवर पिगमेंटेड नहीं है और इसे अप्लाई करने के बाद ये सेट हो जाती है और कहीं भी स्मज या पच नहीं करती है। तो इसका कलर भी जो है बहुत अच्छा है, ब्लेंडेबल है और अच्छे से अपने आप और बहुत अच्छे से आपके आईब्रोज को है जो फिल कर देती है। आई शेडो के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है एनवाई वे की ये न्यूली लॉन्च आई शेडो पैलेट। 9 कलर आई शेडो पैलेट है ये। ओ खुल जा, इसकी शेड ये देख सकते हो। मैंने एक न्यूट्रल टोन का जो आई शेडो पैलेट लिया है और इसकी पिगमेंटेशन मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। इसमें आपको 3 शिमरी कलर मिट जाएंगे और बाकी जो 6 हैं वो मैट शेड्स हैं। तो इस शिमरी कलर की जो है पिगमेंटेशन आप देख सकते हो, ये देख सकते हो बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है इनके आई शेडोज। और मैट कलर के भी स्वॉचेस जो है मैं आप लोग दिखा देती हूँ, दिस ग्रेश कलर। तो ये देख सकते हो ये इनकी मैट कलर की पिगमेंटेशन है, देख सकते हो आप कितनी ज्यादा पिगमेंटेड है, हल्के से चौकी हैं लेकिन ये बहुत अच्छे से आपके जो आईज पे हैं वो ब्लेंड हो जाते हैं।
आईलाइनर के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है NYB की आईलाइनर, लिक्विड आईलाइनर है और बहुत ही जेट ब्लैक है। और तो ये वाटरप्रूफ नहीं है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा जेट ब्लैक है, इससे आप फाइन से फाइन लाइन जो है क्रिएट कर सकते हो और थिक विंग जो है वो भी क्रिएट कर सकते हो। बिल्कुल ही जेट ब्लैक है, मैट फिनिश है इसकी और इसकी टिप जो है वो भी बहुत फाइन है। फिर मैंने अपने आईज में काजल के लिए अप्लाई किया है व्हाइट कलर की ये कोल काजल आई पेंसिल जो कि है NYB की। इसमें मेरे पास 3 शेड है, मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है ये व्हाइट कलर की पेंसिल, ये देख सकते हो आप। इसमें मेरे पास और भी शेड है, ये है सिल्वर मींस ग्रे कलर का है ये, तो देख सकते हो बहुत ही स्मूथली ये अप्लाई होता है, ग्लाइड करता है और ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर ग्रे कलर है ये, चारकोल ग्रे काइंड ऑफ कलर। और इसमें मेरे पास एक और शेड है, ये ब्लू कलर की शेड है, ये भी देख सकते हो आप, बहुत पिगमेंटेड है और बहुत अच्छे से जो है इसका कलर पे ऑफ जो है ना आपके हैंड पे कितने अच्छे से उतर के आए। ब्लश के लिए मैंने यहाँ पे यूज किया है ये NYB की स्काईलाइन सनसेट स्काईलाइन ब्लश और इसमें मेरा शेड है 6 कोरल सनसेट, तो ये एक ऑरेंजी कोरली काइंड ऑफ ब्लश है। लुक एट द पिगमेंटेशन, बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड है ये ब्लश, सोच नहीं, ये देखो इतनी अच्छी इसकी पिगमेंटेशन है, बहुत अच्छे से जो है आपके फेस पे ब्लेंड हो जाती है, बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। ये एक मैट ब्लश है जो आपके फेस पे बहुत अच्छे से बैठ जाती है और ओवर पिगमेंटेड नहीं लगती है। हाईलाइटर के लिए मैंने यहाँ पे लिया है NYB का ये न्यूली लॉन्च हाईलाइटर, ये मेरा शेड है 01 स्टारी सिल्वर। ये एक शिमरी हाईलाइटर है जिसमें हल्के हल्के से आपको जो है हाईलाइटर के जो शिमर के जो है चंक्स दिख जाएंगे, ये देख सकते हो बहुत अच्छा हाईलाइटर है, बहुत अच्छे से ये ब्लेंड भी हो जाता है और आप नाइट टाइम पार्टी के लिए ना ये हाईलाइटर बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें हल्के हल्के से जो शिमर्स हैं जो कि विजुअल होते हैं, तो ये नाइट टाइम के लिए परफेक्ट हाईलाइटर है। लिपस्टिक के लिए मेरे पास ऑप्शन है NYB की लिप क्रियॉन जिसका एक का की कैप भी खो चुका है और दूसरी ये इनकी लिक्विड लिपस्टिक, तो मैंने शेड अप्लाई किया है ये जो कि मेरे ड्रेस से मैच कर रहा है, ये है शेड नंबर 12 सिटकॉम स्पेशल। तो देख सकते हो आप बहुत अच्छे से मेरे लिप्स पे अप्लाई हो गई है, बहुत ज्यादा ड्राइंग नहीं है, ये आपके लिप्स पे कम्फर्टेबल है और इसका कलर देखो कितना ब्यूटीफुल सा है, पिंक और पर्पल का मिक्स है ये शेड, आई लव दिस शेड। जो भी प्रोडक्ट मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं सबकी बाइंग लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो देख सकते हो आप कितना ड्यूई नेचुरल फिनिश और ग्लोई मेकअप लुक जो है वो टर्न आउट हुआ है, मुझे तो ये मेकअप लुक जो है बहुत अच्छा लग रहा है, ये डे टाइम में भी अगर आप क्रिएट करोगे ना तो बहुत ही ज्यादा गॉर्जियस और स्किन लाइक फिनिश इसने मुझे दिया है, बिल्कुल ही ड्यूई फिनिश है। हाईलाइटर भी इसका हाईलाइटर मुझे थोड़ा सा इसका चंकी लगा लेकिन नाइट आउट पार्टी के लिए ना ये बहुत ज्यादा अच्छा वाला हाईलाइटर है। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। सब्सक्राइब के बगल में बेल नोटिफिकेशन है उसे भी जरूर से हिट कर देना ताकि मेरी फ्यूचर वीडियो से आप अपडेटेड रहो, नोटिफाइड रहो। मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।